अमेठी आया हूं, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया, पुराना रिश्ता है हमारा। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। देखिए, अमेठी राहुल जी का घर है, राहुल जी वहां से सांसद रहे हैं, अमेठी के बेटे हैं, आपके साथ उनका गहरा संबंध है। अमेठी के लोग आए, इन्होंने कहा आपने भारत जोड़ो यात्रा की, मगर आपकी यात्रा अमेठी से नहीं आई, ये कैसी यात्रा है और उसमें सच्चाई भी है, तो इसलिए हमने इस साल दूसरी भारत छोड़ो यात्रा की, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और आज मैं आपके सामने यहाँ अमेठी में हाजिर हूँ। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा ना, धूमधाम से हुआ, देखा ना, उसमें आपने किसी दलित को देखा? आपकी राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, उनको अंदर नहीं आने दिया, उनका चेहरा देखा आपने? जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़ सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े, रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। अमेठी का नागरिक तब भी व्यथित हुआ जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यहाँ के पूर्व सांसद ने और गांधी खानदान ने न्योता ठुकरा दिया न्यास का। राम भक्तों का आक्रोश, अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे उनका गुस्सा, आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित हुए। माहौल ऐसा कि रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी।